नवाबगंज के गांव रूपपुर में बीते दिनों प्रशासन ने अवैध बने मदरसे व दुकान पर बुलडोजर चला दिया था। इसके बाद ढाए गए मदरसे को लेकर गांव में एक बार फिर माहौल गर्मा गया। बरेली के एसएसपी ऑफिस पहुंचे ग्राम प्रधान नाजिम अली ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि समुदाय के लोग ही अब उनकी जान के दुश्मन बन गए। उनका आरोप था सोशल मीडिया पर तरह तरह के स्टेटस लगाकर उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही। ग्राम समाज में शिक्षा विभाग की जमीन पर अवैध मदरसा व बारह दुकानों का निर्माण कराया गया था। इसके बाद गांव के एक शख्स ने अवैध निर्माण को लेकर उसकी शिकायत की थी। जिलाधिकारी ने जांच कमेटी गठित की। जांच में ग्राम समाज की जमीन पर बना मदरसा दुकानें अवैध। इसके बाद प्रशासन ने 21 जुलाई को 12 दुकान व मदरसे को सील कर दिया। जिलाधिकारी के आदेश के बाद रूपपुर में बने मदरसा व 12 दुकानों का प्रशासन का बुलडोजर चला। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अब तरह तरह की पोस्ट वायरल कर जॉन से मारने की धमकी दी जा रही। प्रधानमंत्री समेत मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की जा रही। इसको लेकर नाजिम अली ने शिकायत एसएसपी कार्यालय में की है। वहीं एसएसपी ने नाजिम को आश्वस्त किया है। मेरा नाम नाजिम अली है। मैं ग्राम प्रधान रूपपुर थाना भोजीपुरा ब्लॉक नवाबगंज से हूँ। सर ये है कि हमारे यहाँ एक चौपाल लगी थी 17/3/2023 को, जिसमें नोडल अधिकारी थे हमारे। उन नोडल अधिकारी ने गांव में जो शिकायत लोगों ने करी, कुछ हिंदू समाज के लोग भी हमारे यहाँ रहते हैं थोड़े से, उन लोगों ने शिकायत करी कि अवैध भूमि पे, सरकारी भूमि पे अवैध मदरसा फला फला लोगों द्वारा संचालित किया जा रहा। वो रिपोर्ट उन्होंने शासन को दी। शासन के द्वारा उस मदरसे की सील कर दिया गया जुलाई में, 21 जुलाई को सील कर दिया गया। सील करने के बाद में वहाँ पर एक सभा हुई, मदरसे पर ही सभा करी मौलाना तौकीर ने, मौलाना सफदर ने एक वहाँ सभा करी। उसमें जो कट्टरपंथी लोग थे, कुछ लोग कट्टरपंथी लोग इकट्ठे हुए वहाँ पर, और उन लोगों ने देश विरोधी वहाँ पर नारे लगाए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए, सरकार के लाने के लिए उनका इनाम रखने की बात कही गई, और देश के खिलाफ जिहाद छेड़ने की बात कही गई इन लोगों के द्वारा, और मुझ पर रख के कि इन्होंने मदरसा इन्होंने सील कराया है, तो मेरे हत्या के लिए भी उन लोगों ने बात करी गई कि चंदा लेके, और इस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय योगी जी के लिए कि इनका सरकलम करके, प्रधान और ग्राम प्रधान का सरकलम करके जो लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। मैं इससे काफ़ी भयभीत हो गया। अगस्त में 3 अगस्त को शासन द्वारा मदरसा, जो अवैध मदरसा था, उसे ध्वस्त कर दिया गया जो सरकारी भूमि पर था। तो इस बात से ये लोग और चिढ़ गए, जिसके पास मेरे पास वीडियो भी हैं, इन लोगों ने वीडियो पोस्ट करी उसकी बाकायदा हिंसा फैलाने की, और हमारे हिंदू मुस्लिम समाज को लड़ाने के लिए, कहना चाहिए कि एक दंगा कराने के लिए भी इन लोगों ने उस तरीके की वीडियो पोस्ट करी कि जिससे कि लोगों की धार्मिक आस्थाएँ आहत हैं। मेरे हिंदू समाज भी कुछ लोग रहते हैं, उन्होंने मुझसे शिकायत करी उन्होंने, और मुझे ये भी पता चला कि ये लोग मेरी हत्या करने के लिए पूरी तरीके से ये साजिश रच रहे हैं। तो मैंने आज मैं यहाँ कप्तान साहब के यहाँ आया हूँ। मैं उसकी पूरी शिकायत, अब तक डरा हुआ था, मैंने नहीं करी, लेकिन मैं आज अपना हिम्मत करके यहाँ आया हूँ। सुरक्षा की मांग भी करता हूँ, और उक्त लोगों के खिलाफ जो कट्टरपंथी लोग हैं, देश के खिलाफ जो जहर उगल रहे हैं, देश के खिलाफ जो युद्ध करने की बात करते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय योगी जी के लिए सर कलम करने की जो बात कहते हैं, उनके खिलाफ मैं कार्रवाई की मांग करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ।